हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चेक बॉक्सेस बनाने के बाद सवाल नंबर दो ये है कि क्या रेडियो बटन भी इससे तैयार किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी एक सेल में आप सेलेक्ट करिए, उसे सेलेक्ट कीजिए किसी भी एक सेल को, और आप सीधा कहाँ चले जाइए, यहाँ पर। तो ये आपको ऑप्शन बटन दिखाई पड़ेगा, इसको हम रेडियो बटन भी बोलते हैं। यहाँ क्लिक करके और ड्रैग करवाइए इसको। जब ड्रैग करवाएंगे तो यहाँ आपको वो बटन मिल जाएगा, और अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो तरीका वही है, सेम तरीका, आप उसी के थ्रू इसका नाम भी चेंज कर पाएंगे। कैसे करना है नाम चेंज, यहाँ पर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। यहाँ से ऑप्शन बटन दिया हुआ है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ MALEMAIL, और फिर इसको बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेल आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोड चेंज करना है, ताकि आप यहां पर टिक करें और ये टिक हो जाए। तो देखिए ये अब टिक हो भी जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप फीमेल का भी बटन बना सकते हैं, मोड चेंज कीजिए, यहां पर राइट क्लिक कीजिए और फिर कॉपी पे जाइए और फिर इसको यहां पर पेस्ट करवा दीजिए। तो यहां पे मेल आ रहा है, फिर यहां पर राइट क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहां पर लिख दीजिए फीमेल। तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक टिक करना है या दोनों, तो वो सारी चीजें यहां से आप कर पाएंगे। तो ये दोनों ही रेडियो बटन क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से लीब्रा में भी आप रेडियो बटन बना सकते हैं, मोड चेंज कीजिएगा तो फिर ये काम करेगा। तो ये देखिए मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक आप टिक करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि रेडियो बटन कैसे बनाया जाए लीब्रा कैल्क में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।